Hi everyone, welcome to Karan Crunch. I hope you all are doing well. Today we are starting a new thinker, which is Robert Merton. Fine, ये हमारे second last thinker हैं. इसके बाद बस एक thinker बचते हैं. Then we'll wind up chapter number four. तो काफी important chapter है. I hope आपको अभी तक का सब समझ में आया है. तो before we proceed, do like, share, subscribe and share it with your friends. मुझे बताएं video कैसा लगा? मैं आपके comments पढ़ती हूँ. तो comment section में भी do stay active. अगर कोई भी question आपको पूछना है, आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या आप मेरे mail भी कर सकते हैं. तो रॉबर्ट मर्टन हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट मर्टन देखो पार्सन्स की तरह रॉबर्ट मर्टन भी एक प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे अमेरिकन सोशोलॉजी के लिए इन्होंने काम किया एंड उनकी तरह एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी थे बट वो खुद को ज्यादा एसोसिएट नहीं करना चाहते थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के साथ उनको एक न्यू फंक्शनलिस्ट कहा जाता था क्योंकि उन्होंने हमें दिया था फंक्शनलिज्म का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मेट मॉडिफाइड फॉर्म ठीक है उन्होंने कुछ पॉस्टूलिट्स फॉर्म किए थे फंक्शनलिज्म के जिनमें उन्होंने फंक्शनलिज्म के कुछ पॉइंट्स को कुछ पॉस्टुलेट्स को मॉडिफाई किया था क्योंकि उनका मानना था जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया था ब्राउन रेड ब्राउन और मेलनोस की थियोरीज मेलनोस की जो थियोरीज हैं उनका ये मानना था कि इन्होंने पढ़ी तो एक ट्राइबल सोसाइटी थी जैसे मेलनोस्की ने आइलैंडर्स पढ़ा था और ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स पढ़ा था तो बेसिकली वो एक ट्राइबल एरियाज थे तो इन्होंने कहा ट्राइबल एरियाज के अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो वो आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी अगर आप एक सोशल आइटम या सोशल इवेंट फिनना किसी एक सिंपल ट्राइबल सोसाइटी का पढ़ रहे हो आप उसको बाद में जनरलाइज नहीं कर सकते हो हर सोसाइटी के लिए फेयर इनफ लॉजिकल है इनकी इतनी बात तो आप बोल सकते हो इन्होंने फंक्शनलिज्म को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया देखो जैसे क्लियर है ना मेलनोस्की ने ट्राइब स्टडी किया या ब्राउन ने उन्हें ट्राइब स्टडी किया अगर उन्हें वहां का रिलीजन स्टडी किया है उस टाइम का ठीक है या अगर दुर्खीम ने जैसे स्टडी किया उन्होंने अरुणास वो ट्राइब स्टडी किए थे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन ठीक है तो उनकी जो थ्योरी थी रिलीजन की वो क्या आप आज के रिलीजन के इसमें फिट बैठेगी नहीं क्योंकि आज की जो सोसाइटी है काफी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है और रिलीजन इतना सिंपल टॉपिक अब नहीं रह गया है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में तो इस चीज को इन्होंने पॉइंट आउट किया इन्होंने काफी पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट दिए लाइक एम आर टीज विच इज य रेंज थियोरीज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन एनॉमी वगैरह जो हमें इसमें पढ़ना है मर्टन जो थे फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल अलोंग विद पार्सन्स लेकिन खुद को डिस्टेंस रखते थे फ्रॉम बीइंग कॉल्ड ए ट्रू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन दी कन्वेंशनल सेंस ठीक उसका रीजन भी मैंने आपको कहा ड्यू टू हिज मॉडिफाइड फंक्शनलिज्म उनको एक न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पॉस्टरिट्स दिए थे जैसा कि मैंने आपको बोला हिज फंक्शनलिज्मी इज़ नॉट ओनली विद ए थियरटिकल वर्क बट एम्पेरिकल रियालिटी ऑल्सो ये अटेंशन ड्रॉ करते हैं जो फंक्शनल थियरीज है ब्राउन और मेलनासकी की तरफ ठीक है उसका भी मैंने आपको बताया कि सिंपल ट्राइबल सोसाइटी पढ़ के आप हमारी कम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो विच आर कॉम्प्लेक्स और जहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है ओवर लैप्ड और ओवरलैप्ड विद सोशल इंस्टीट्यूशन और सेवरल सेंचुरीज ठीक है तो हर कोई चीज़ हर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके उस टाइम की सोशल सेटिंग उस टाइम के कॉन्टेक्सट का रिजल्ट होता है तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते देअ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है सच एज रिलीजन इज यूनिवर्सली इंटीग्रेटिव इन सिंपलर ट्राइबल सोसाइटीज पे वो डिसहार्मनी भी कॉज कर सकता है सो रिलीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग फंक्शनल इंटीग्रेटिव ये डिसफंक्शनल भी हो सकता है तो बेसिकली हमने कहा आप सिर्फ फंक्शनल आस्पेक्ट पर ध्यान देते हो नहीं आप नॉन फंक्शन किसी चीज के या किसी चीज के डिसफंक्शन जो है उनको भी डिस्कस करो ये इन्होंने एक नया फंक्शनल पैराडाइम दिया था जिनमें इन्होंने नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल जैसी चीजें भी ऐड करी थी जो हम आगे देखेंगे इन्होंने मॉडिफाई किया था अर्लियर फंक्शनल्स व्यू को और क्रिटिसाइज किया था फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स को ऑफ अर्लियर फंक्शनल्स ठीक है और इन्होंने नए तीन जो पॉस्टुलेट्स हैं मॉडिफाइड पॉस्टुलेट्स फंक्शनलिज्म के इन्होंने हमें दिए थे

स्टेबिलिटी ऑफ होल इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं हम एग्जाम्पल लेंगे रिलीजन की ठीक है अब रिलीजन के क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स रिलीजन के आप क्या मान सकते हो एक चर्च होता है रिलीजन में ठीक है प्रीस्ट आ गया आपका या आपका टेक्स्ट आ गया यहाँ पे कुछ भी ले लो टेम्पल आ गया मॉस्क आ गया यहाँ पे पंडित आ गया मौलवी आ गया और एक टेक्स्ट आ गया रिलीजन का कोई बिलीफ वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं फंक्शनल हैं सारी ठीक है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एज अ होल रिलीजन को स्टेबलाइज़ करती हैं ये फंक्शनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग लेकिन इन्होंने इसको नेगेट किया और इसका मॉडिफाइड फॉर्म दे इन्होंने कहा नहीं सारे यूनिट्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते हमारे पास किसी आइटम के डिसफंक्शन या नॉन फंक्शन भी हो सकते हैं अगर सो करंट एग्जाम्पल में समझा जाए इन्होंने रिलीजन में ऐड किया कि रिलीजन में राइट्स भी होते हैं ठीक है रिलीजन में कॉन्फ्लिक्स भी होते हैं रिलीजन में अलग अलग सेक्ट्स भी होते हैं जिनके बीच में एक मिस अंडरस्टैंडिंग या आप बोलोगे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है डिफरेंट सेक्ट्स डिफरेंट सेक्ट्स जो है वो इस रीजन से इमर्ज होते हैं क्योंकि आइडियोलॉजी जो है रिलीजन की सारे उस पर बिलीव नहीं करते हैं दैट मीन सारे जो यूनिट्स uh, हुए कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हुए एक सोशल आइटम के रिलीजन के वो सारे फंक्शन नहीं होते हैं फॉर फॉर रिलीजन एज ए होल देखते हैं सर ने बुक में क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू हिम सोशल रियालिटी एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिन इन्श्योर द यूनिटी ऑफ अ सिस्टम ठीक है दुर्खेम स्पेंसर एडक् ब्राउन इनने एम्फोसाइज किया था फंक्शनल यूनिटी पे मर्टन ने कहा लेकिन आज का जो वर्ल्ड है कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज नॉट नेसेसरी जो भी एग्जिस्ट करता है उस सोशल आइटम का वो फंक्शनल यूनिटी प्रोवाइड करेगा इस फंक्शनल यूनिटी ऑफ द सिस्टम यहाँ पे सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ये सोशल आइटम जैसे हमने रिलीजन की एग्जाम्पल ली जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डिसफंक्शन भी स्टडी करने हैं फॉर एग्जाम्पल राइट्स नॉन फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सोशल आइटम्स जिनका कोई फंक्शन नहीं है वो भी देखना है फाइन ये ऑल दो आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल सी बात है इसमें एक थियोरी बनाने की क्या जरूरत थी ये आज सिंपल सी बात है आज हमें काफी ये मतलब रैशनल लॉजिकल थॉट लग रहा है जो इतना कोई पाथ ब्रेकिंग नहीं होगा लेकिन आप सोचो उस टाइम पे जहां पे फंक्शनल अप्रोच में बियॉन्ड प्योर इंटीग्रेटिव फंक्शनल पर्सपेक्टिव के कुछ और देखा ही नहीं गया कि हर चीज फंक्शनल है फंक्शनल है इतना बोला गया उस टाइम पे आइडिया जो था ये पाथ ब्रेकिंग था मॉडिफिकेशन ऑफ दंक्शनिटी देखो ये क्या कहता है इसमें फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म कहता है सोसाइटी के कुछ चीजें होती हैं जो इनडिसबल होते हैं जो परफॉर्म करने ही करने होते हैं अदरवाइज वो सोसाइटी uh, जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो फंक्शन के लिए कोई इनडिसबल इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ वो काम कर सकते हैं उसके अलावा वो काम और कोई नहीं कर सकता है जैसे अभी हमने क्या खत्म किया था पढ़ के पार्सन पार्सन ने क्या दिया था एजल मॉडल उसमें क्या कहा था कुछ फंक्शनल प्री रिक्विजिट होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी उस स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए जैसे इकोनॉमी गवर्नेंस आ गया आपका ठीक है या कल्चर आ गया आपका फैमिली आ गया थ्रू एजल मॉडल ये पर्सन ने कहा था यही एग्जाम्पल आप बोल सकते हो फंक्शनलिज्म क्या बोलते थे कि कुछ इंडिस्पेंसेबल फंक्शन होते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए इंडिस्पेंसेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं ठीक लेकिन मॉर्टन ने कहा कि सोशल आइटम्स जो है दे आर नॉट इंडिसबल इन नेचर और फ्शनल ऑल्टरनेटिव इन्होंने कहा था कि हमारे पास फंक्शनल भी हैं है, कुछ इनडिस हैं जो सिर्फ वो काम कर सके और वो काम कोई और ना कर सके हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जो वो काम परफॉर्म करे फॉर एग्जाम्पल पार्सन ने हमें कहा है कि सोशलाइजेशन दो तरीके की होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो आपकी फैमिली करती है एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो आपका कौन करता है आपके पेयर्स

ये भी प्राइमरी सोशलाइजेशन कर रहे हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए आपको सिर्फ पेयर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ये आपकी रूल uh, बुक या आपके लॉ वगैरह से भी आजकल हो जाता है लोग सोशलाइज उस चीज से भी हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है सम फंक्शन में भी परफॉर्म बाय डिफरेंट आइटम्स एज वेल मीन्स जैसे सोशलाइजेशन के फंक्शन है ये फैमिली पेयर्स के अलावा स्कूल क्रच और लॉ वगैरह भी कर सकते हैं मर्टन ने कहा था जस्ट एज द सेम आइटम मे हैव मल्टीपल फंक्शन सो कई सारे फंक्शन हो सकते हैं वैसे ये ये फंक्शन फुलफिल करने के ऑल्टरनेटिव आइटम्स भी हो सकते हैं दिस इज इन कंट्रास्ट टू पार्सन जिन्होंने कहा था कुछ फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं और एजल मॉडल के अकॉर्डिंग वो फंक्शनल प्री रिक्वेजिट्स जो है वो फुलफिल होने ही चाहिए अदरवाइज सिस्टम वि क्राम्बल इसकी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल और सोसाइटी अगर फिर भी एग्जिस्ट करेगी अगर इसमें से डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेरियस माइनॉरिटी ग्रुप्स खत्म हो जाए तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि इंडिस्पेंसिबल है हर चीज क्योंकि इंडिस्पेंसिबल आपके जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी ग्रुप अगर आप खत्म करो या कास्ट इंस्टीट्यूशन को खत्म करो कास्ट इंस्टीट्यूशन को खत्म करो तो भी आपकी सोसाइटी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी इंस्टीट्यूशन खत्म होके तो कौन से फंक्शन को आप इंडिस्पेंसिबल बोलोगे इन्होंने एक जनरल टर्म तो दे दिया कि सम इंडिस्पेंसिबल फंक्शन उस सम को इन्हें डिफाइन नहीं किया ना वो टू योर ओन टू ईच हिज ओन जो वो समझे वो उसके लिए इंडिस्पेंसिबल है दैट मीन्स कोई एक स्पेसिफिक इन्होंने हमें फंक्शन नहीं दिया कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं बोला जो इंडस्पेंसिबल होगा इन्होंने कहा कुछ फंक्शन है और कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्पेंसिबल है तो एक एम्बिगुटी है इसमें ठीक है तो वैसे ही मर्टन ने इसको पॉइंट आउट किया इन्होंने कहा अगर वो चीजें नहीं भी करेंगी सोसाइटी की कुछ चीजें एग्जिस्ट करना बंद भी करेंगी तो भी सोसाइटी अच्छी चलेगी अब रिलीजन की इंपॉर्टेंस भी कई सोसाइटीज में बहुत कम हो रही है वेस्टर्न सोसाइटीज देख लो सेक्युलरिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो इस रिलीजन इंस्टीट्यूशन के फेड होने के चलते भी सोसाइटी अच्छे से चल ही रही है क्योंकि एक फंक्शन ऑल्टरनेटिव आ गया है सेक्युलरिज्म ठीक है और उसको परफॉर्म करने के हमारे पास फंक्शनल दूसरे ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन भी आ गए जैसे रिलीजन में आपके चर्च वगैरह सेक्युलरिज्म में आपकी गवर्नमेंट आपका लॉ ठीक है पॉलिटी वो सारा कॉन्सेप्ट तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म ये कहते हैं जो चीज एक जगह फंक्शनल है वो हर जगह फंक्शनल है ये फंक्शनलिज्म का मानना है कि यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म है चीजों में अगर हम मान ले कोई एक डिपार्टमेंट है वो फंक्शनल है फॉर द सोसाइटी वो हर जगह फंक्शनल है पर ऐसा नहीं है मर्टन ने कहा हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना है सोशल आइटम का फॉर एग्जांपल अगर आप आ, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा वहां भगत सिंह वगैरह इनको हम रिलेट करते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऑल दो ब्रिटिशर्सो क्या बोलते थे ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज जो थी वो टेररिज्म थी हमारे लिए फंक्शनल थी लेकिन अगर आज भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उठ के आती है क्योंकि आज जो है पूरा लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है और इंडिया जो है कंप्लीट हो गया है सारा जो इंटीग्रेशन इंडिया के सारी स्टेट्स की हो गई है अब अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उठ के आ जाए तो क्या वो आज के डेट में भी फंक्शनल है नहीं हमें कॉन्टेक्ट देखना होगा आज के डेट में वो फंक्शनल नहीं है या अगर पुलिस फायरिंग देख लो अगर पुलिस फायरिंग कहीं पर हो रही है तो अगर एनकाउंटर कहीं चल रहा है मिलिटेंट्स वगैरह को मार रहे हैं तो ठीक है अगर वो मार्केट प्लेस में आके फायरिंग करना शुरू हो जाए वहां पे वो फंक्शन नहीं होगा तो हमें कॉन्टेक्स देखना है उस आइटम को हर जगह हर आइटम जो है वो फंक्शन नहीं होता द आइटम मे बी फंक्शन इन वन कॉन्टेक्स एंड डिस फंक्शनल इन अनादर कॉन्टेक्स ठीक है तो ये था आपका यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का ये इन्होंने हमें पॉस्टुलेट तीन दिए थे जिसमें इन्होंने मॉडिफाई किए थे बेसिक फंक्शनल को किस -किस को किस-किस मॉडिफाई किया था फंक्शनल यूनिटी को फंक्शनल इंडेस्पेंसिबिलिटी को एंड फंक्शनल एंड यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म को आई होप इट्स क्लियर आगे चलते हैं मर्टन की जो पोजिशन थी वाज़ जेट ऑल फंक्शनल पोस्टुलेट्स वो नॉन एम्पेरिकल एसर्शन बेस्ड ऑन एबस्ट्रैक्ट थियोरिटिकल सिस्टम्स मतलब मतलब वही uh, बोली हुई बातें आमचर स्कॉलर उस टाइप का इन्होंने पॉइंट आउट किया था मर्टन ने कहा था एक एन ऑल इज एट बेस्ट अ फिलोसॉफिकल सिस्टम मार्क्ड बाय इट्स आर्किटेक्चरल एज एज वेल मतलब वो आप एक ऑल मार्क्सर जनरल लॉ बड़ी बड़ी ग्रैंड फ्रेमवर्क उसकी बातें मत करो उन्होंने हमें मिडिल रेंज थियोरीज का कॉन्सेप्ट दिया था जो हम आगे देखेंगे उन्होंने फाइनली अपना फंक्शनल पैराडम जो है ऑफ फंक्शनल एनालिसिस जिससे मैंने आपको कहा था इन्होंने लॉजिकल कंक्लूजन पे लिया था फंक्शनलिज्म को उन्होंने वो लाया था एज अ

मस्ट बी इन अ स्टैंडर्डाइज एक्सटेंड वाइज पैटर्न होना चाहिए ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए और ना ही ज्यादा कंक्रीट होने चाहिए ठीक है मतलब बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ही स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल जनरल और स्पेसिफिक के बीच में होना चाहिए मिडिल में होना चाहिए द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली मीनिंग ऑफ सोशल आइटम जो है मे चेंज विद द चेंज इन कॉन्टेक्ट इसीलिए सोशल कॉन्टेक्ट को डिफाइन करना चाहिए एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल आइटम जो है उसको अवेलेबल करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को मैनिफेस्ट लेटेड फंक्शन जो है उस आइटम के हमें दोनों पहले से बताने चाहिए और डिसफंक्शंस को भी स्टडी करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को फंक्शनल ऑल्टरनेटिव भी हाईलाइट करने चाहिए अब देखो यूजुअली ये पैराग्राफ छोटे छोटे ऐसे बच्चे स्किप करते हैं पर हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उनका फंक्शनल पैराडाइम क्या था क्योंकि उन्होंने हमें अपना अपना फंक्शनल पैराडाइम दिया था जिसमें उन्होंने फंक्शनल एनालिसिस को बताया था एज ए गाइड टू इंटीग्रेशन ऑफ थे एंड रिसर्च तो आप बोल सकते हो जो उनका फंक्शनल पैराडाइम था वो किन पॉइंट्स पे बेस्ड था वो ऐसे बस आप उसमें जनरल आंसर नहीं लेके आओगे क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेसिफिक टर्म्स में इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि इसका फंक्शनल पैराडाइम क्या था मर्टन का पहला था उसने एड किया नॉ कॉन्सेप्ट लाइक नॉन फंक्शन डिस फंक्शन मैनिफेस्ट एंड लेटे लेटेंट ठीक है ये हमें पढ़ने हैं आगे सेकेंड उनके पैराडाइम uh, के अकॉर्डिंग सोशल आइटम्स का एक पैटर्न होना चाहिए ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए और ज्यादा कंक्रीट भी नहीं होने चाहिए तीसरा सोशल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना जरूरी है क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग चेंज होता है जो हमने अभी देखा यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म के पॉस्टुलेट में एक जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोशल आइटम जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए इन्वेस्टिगेटर हमें और इन्वेस्टिगेटर को मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन पे भी ध्यान देना है उसको आइडेंटिफाई करना है डिसफंक्शन को भी स्टडी करना है और हाईलाइट करने है फंक्शनल अल्टरनेटिव्स को भी तो छह सात पॉइंट है जो डिफाइन करता है उनका फंक्शनल पैराडाइम तो उन्होंने सिर्फ आपको एक फंक्शन को मॉडिफाई नहीं किया उन्होंने एक मेथडोलॉजी भी दी कि आपको कैसे फंक्शनली किसी चीज को स्टडी करना है आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है ठीक है तो काफी यहाँ पे एक स्पेसिफिक सा आंसर बनता है इन क्वेश्चन का देखो लेट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं मैनिफेस्ट होता है जो बाजाहिर जो दिखता है जो आपका इंटेंडेड फंक्शन होता है जो आपने इंटेंट किया होता है किसी काम के लिए और लेटेंट होता है जो उसका हिडन एस्पेक्ट होता है जो आपने इंटेंट तो नहीं किया वो आपके लिए अन इंटेंडेड है लेकिन वो उस सोशल आइटम का एक कॉन्सिक्वेंस मान लो आपने चीज किसी चीज के कि, आपने कोई काम किसी चीज के लिए किया पर साथ में उसमें कुछ और भी हो रहा है ठीक है इन्होंने नई डायमेंशन ऐड करने की कोशिश की और उसमें लेटेंट एंड मैनिफेस्ट जो है काफी एक इंपॉर्टेंट था उन्होंने रिजेक्ट किया अर्लियर डोमिनेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड डॉमिन टू मॉडिफाई मॉडिफाइड ये क्लियर हो गया यहाँ से सारा अब देखो मैनिफेस्ट देखते हैं इस सीन इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द एक्टर की एक्टर का एक्चुअल इंटेंशन क्या है और जो लेटेंट एंड फंक्शन है वो नीदर इंटेंडेड है आप इसको इसीलिए अन इंटेंडेड अन इनड कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हो नॉर एक्टर वो उसने परसीव नहीं किया होता है वो कि इसका ये फंक्शन भी है वो बस उसने उसका एक हिडन आस्पेक्ट या उसका अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस रह जाता है मर्टर ने कहा मुझे मोस्टली इंक्लूड फंक्शन या नॉन फंक्शन या अनएंटिसिपेटेड फंक्शन तो जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे जैसे स्लेवरी हुई ठीक है तो स्लेवरी में क्या हुआ इंक्रीज हुई इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ साउथ के लिए स्लेवरी की का ये जो इंस्टीट्यूशन था ये स्टार्ट हो गया आप स्लेव्स को मंगवाते थे अफ्रीकन नेशन से ठीक है तो वो क्यों मंगवाते थे क्योंकि आपको साउथ की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी फाइन लेकिन ये इसका मैनिफेस्ट फंक्शन था कि आपको इकोनॉमिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका से स्लेव्स मंगवाती थी उसका लेटेंट फंक्शन क्या हुआ एक डिवाइड क्रिएट हो गया वहां के रिच और पोअर में आपके या आप इसको इस टर्म्स में लिख सकते हो वाइट्स और ब्लैक्स में ठीक है एक अंडर क्लास डेवलप हो गई इट द लेटेंट फोवाइडर क्लास दैट सर्व टू इंक्रीज दाउदर्न वाइट्स पोअर तो एक आपने खिलाया इकोमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वो आपका मैनिफेस्ट था लेटेंट क्या हुआ आपके पास जब इतने सारे ब्लैक्स आ गए तो उनकी अपनी कम्युनिटी बन गई तो एक डिवाइड आप विजिबल डिवाइड क्रिएट हो गया व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में ठीक है वो जो व्हाइट्स है चाहे वो रिच हो या पोअर हो वो सुपीरियर बन गए और जो स्लीवस आप वहां से लेके आ रहे थे ब्लैक्स को वो क्या बन गए क्लास बन गई तो ये इसका अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था का। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल ही होपी ट्राइब्स की देखो तो ये क्या करते थे ये रेन डांस करते थे अपीड टू अपीज रेन गॉड कि हम उसको अपीज करेंगे और बारिश हो जाएगी वो उसका एक मैनिफेस्ट फंक्शन था लेकिन लेटेंट फंक्शन था इन सब जो इकट्ठे होते थे वो डांस परफॉर्म करते थे रेन डांसिस उससे उनकी सॉलिडारिटी इंक्रीज होती थी तो ये एक अन कॉन्सिक्वेंस था उनके एक एक्शन uh, का ठीक है तो इसको हम लेटेंट एक्शन बोलते हैं इसमें आप uh, ये चीज़ वेबलन ने भी अपनी थ्योरी में दी है उन्होंने थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सपिशस कंजम्पशन का स कंजम्पशन होता है जब आप अपना प्रेस्टीज बनाने के लिए कोई चीज खरीदते हो इन शॉर्ट अगर आपको फोन खरीदना है टेन ट्वेंटी थाउजेंड में अच्छा फोन आ जाएगा विद ऑल फीचर्स लेकिन आप आईफोन ही लेते हो चाहे आपको किडनी भी बेचनी पड़े अपनी वो क्यों होता है आपको अपना प्रेस्टीज दिखाना है ठीक है तो अगर आप ऐसे करो आप चीज खरीदते हो अपने काम के लिए लेकिन वो काम कहीं ना कहीं आपको स्टेटस की तरफ ले जाता है और वो स्टेटस उसका लेटेंट फंक्शन होता है तो वो भी आप मैनिफेस्ट और लेटेंट से भी उसको रिलेट कर सकते हो जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक मैनिफेस्ट फंक्शन है किस आपको गाड़ी तो खरीदनी ही है डेली कम्यूट करने के लिए लेकिन उसका लेटेंट फंक्शन क्या है वो रीअसर्ट करता है आपका सोशल स्टेटस ठीक है तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दी थी देखो मिडिल रेंज थियोरी का कॉन्सेप्ट दिया था मर्टन ने क्योंकि उनके हिसाब से ग्रैंड फंक्शनल थियोरी चली नहीं थी और चल भी नहीं सकती थी सोसाइटी में तो इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था माइक्रो और मैक्रो के बीच में एक मिडिल पाथ ढूंढो तो वो वैसी थियरीज बोलो विच आर विच टू एम्बिशियस बिटवीन द माइक्रो माइक्रोथियरीज माइक्रोथियरी जो थी बहुत एम्बिश थी एंड माइक्रो माइक्रोथियेरीज की लिटिल प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस थी माइक्रो बहुत छोटी चीजों पे ध्यान दोगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी और माइक्रो बहुत एम्बिशियस होगी क्योंकि इतना जनरल बात कर रहे हो वो कहीं पे फिर उसको बाद में आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो इनने कहा था मिडिल रेंज पे फोकस करो मिडिल रेंज में क्या होगा एक लिमिटेड सेट ऑफ एक्साम्शन होंगी आप बोल सकते हो एंड सेकेंडली एक लिमिटेड सैंपल होगा आपकी चीजों का स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कैन बी डिराइड इन एम्पेरिकल टेस्टिंग हो सकती है क्योंकि सैंपल छोटा है तो आप एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हो मिडिल रेंज चीजों को

आप बिल्कुल ही ग्रैंड थियरीज दे दो जो फिर फाइनली आप उनको टेस्ट भी ना कर पाओ इतनी बड़ी थियरीज है उनको पहले हाइपोथिस ही नहीं बना पाओगे द मिडिल रेंज थियरीज स्पेसिफिक ऑफ सोशल रियालिटी विच कैन बी थियराइज और टेस्टेड एम्पेरिकली ठीक है इसके लिए आप मेथड यूज कर सकते हो क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों और यूज कर सकते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा दोनों दस मिडिल रेंज थियरीज आप बोल सकते हो ट्रिपल एलायस है थियरी डेटा एंड मेथड का तो आप इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जरूर लिख लेना एक तो ये फिल करता है गैप रॉ इम्पेरिसम ग्रैंड थियोरीज का इसमें मेथडोलॉजी आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो वो भी इन्होंने लिखा है ट्रिपल एलाइंस का है थियरी का डेटा का और मेथड का ठीक है यहाँ पे भी और इनमें क्या क्यों सूटेबल है सोशोलॉजिकल एनालिसिस के लिए क्योंकि लिमिटेड सेट ऑफ एक्सामशन है स्पेसिफिक हाइपोथिस एंड एम्पेरिकल टेस्टेबिलिटी है ठीक है ये पैराज आप यूजअली स्टूडेंट्स स्किप करते हैं लेकिन इसमें से आपका आंसर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके आंसर के लिए इसके एडवांटेजेस भी लिखी हुई हैं साइंटिफिक नेचर टेस्टेबिलिटी एम्पेरसिज्म प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एटसेट्रा हाउ आर सब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिडिल रेंज फिन इज चैलेंजिंग वाइल रिकॉर्सिंग टू मिडिल रेंज थियरीज अब देखो ये इसका क्रिटिसिज्म है अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मिडिल रेंज फिनोमेना को फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई थ्योरी डिवाइस कर रहे हो और आप वो वो बोल रहे हो जो है पूरे इसमें वर्ल्ड के लिए ग्लोब के लिए एप्लीकेबल है अब आप बोल रहे हो नहीं वो ग्लोब के लिए एप्लीकेबल नहीं बनाओ आप इसको सिर्फ एशिया के लिए एप्लीकेबल बनाओ तो मिडिल रेंज फिना लेके आओ ठीक है लेकिन आप बैठे हो कहीं इंडिया में तो आप बोल रहे हो नहीं ये जो थ्योरी है इसको आप सिर्फ जो इंडिया के आसपास वाले एरियाज हैं कंट्रीज हैं कुछ ही कंट्रीज एक दो उसके लिए एप्लीकेबल कराओ जो एशिया है ये बहुत बड़े लेवल की बात है दैट मीन तो मिडिल रेंज क्या हुआ किसी अगर कोई ग्लोब के लिए थ्योरी बना रहा है उसके लिए एशिया मिडिल रेंज हुआ कोई चाहता है इंडिया स्पेसिफिक साउथ एशिया के लिए सिर्फ एप्लीकेबल हो इंक्लूडिंग इंडिया श्रीलंका एट्सेट्रा कि उनके लिए सिर्फ थियरीज बना उसके लिए एशिया ग्लोबल हो गया और अपना इंडिया साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया वो मिडिल रेंज हो गया तो बेसिकली जो मिडिल रेंज है ये भी सब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन पे आ गया ना तो सब्जेक्टिविटी वही है उसमें वो बात आ गई कि मिडिल रेंज को आप डिफाइन कैसे करोगे हो सकता है जो आपके लिए जनरल चीज हो वो दूसरे के लिए मिडिल रेंज हो अगर आप इस चीज पूरे ग्लोब को देख रहे हो तो आपके लिए एशिया मिडिल रेंज आ गया अगर आप सिर्फ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को देख रहे हो तो आपके लिए एशिया ग्लोब पूरे ग्लो, जनरल एक ग्लोबल लेवल की बात आ गई और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो मिडिल रेंज आ गया तो बेसिकली मिडिल रेंज आप डिटर्मिन कैसे करोगे ये इसका एक बड़ा क्रिटिसिजम है ठीक तो we'll हमा, है तो वील स्टॉप द लेक्चर हेयर नेक्स्ट हमें हमारा टॉपिक रहता है आई गेस कन्फर्मिटी एंड डिवेंस स्ट्रेन थियोरी मर्टन की एंड और भी कोई है इनका की फिनिश हो जाएगा इस टॉपिक के साथ एंड रेफरेंस ग्रुप आएगी हाँ रेफरेंस ग्रुप ये दो टॉपिक्स रहते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे